Abha Singh and Trupti Desai continue to be with us. Abha Singh, well, as far as the opposition parties are concerned, because time and again they were asking that the bill be sent to the select committee. Now, do they have any face to save themselves from the embarrassment? Yeah, it's quite sad that after Lok Sabha passing the triple talaq bill, after that also Congress party having a majority in Raj Sabha did not support the triple talaq bill and it had to lapse. And following the Supreme Court orders, BJP government had to come out with an ordinance. One time, two time, and on the third time an ordinance has been issued. And on top of that, if Congress is doing a press conference, it is shameful because they should have come together and passed the bill, made a law, because this would have been a landmark in the lives of the Muslim women who have been struggling for so long demanding justice. And even as Trupti Desai is with us on the phone, and Trupti, we just heard what Randeep Surjewala said, and he said Congress triple talaq ke saath hai, par certain terms unko manzoor nahi the. If it was really about that, then they should have just put across their points in the parliament, because the Prime Minister had personally appealed to the opposition that let's not waste the time of this session, let's have a constructive discussion. They refused to do that. Now clearly, as my colleague Amitabh put it, that they're just trying to save face and they can't even do that, because they can't turn back from the fact that they did not do anything about triple talaq. सबसे पहले तो ट्रिपल तलाक जो है ये महिलाओं के अधिकार की सबसे बड़ी जीत है आज जो हुई है. अध्यादेश को कैबिनेट में मंजूरी मिली है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए. बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया. इससे अच्छा है कि महिलाओं के बाजू से आज तक कोई नहीं था. उनको जो है वो जेंडर इक्वालिटी के हम जो समानता लाना चाहते थे वो समानता की बात कहीं नहीं हो रही थी और आज जो है वो उस पे जो है वो अध्यादेश को मंजूरी मिली है. तो ये सबसे बड़ी चीज है और मुझे लगता है इसमें किसी ने भी राजनीति नहीं करनी चाहिए. महिलाओं को ये अधिकार मिलना चाहिए था क्योंकि ट्रिपल तलाक एक अन्यायकारक प्रथा थी और इसमें पुरुष जो है वो महिलाओं को तलाक दे सकता था लेकिन महिला पुरुष को नहीं दे सकती थी. तो ये बिल्कुल अन्याय था और इसमें ये बहुत अच्छा जो है वो आज निर्णय हुआ है और इसका सभी ने स्वागत ही करना चाहिए. लेकिन तृप्ति जी, आखिरकार ये पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं जो जहां तक आगे बढ़कर हमारे लिए लॉ बनाएंगे और उन मुसलमान औरतों के लिए भी लॉ बनाएंगे. लेकिन आपने काफी लंबी लड़ाई लड़ी है जहां तक औरतों के हक का सवाल है, क्योंकि अभी तक आपको क्या ये बहानेबाजी लग रही है जहां तक पॉलिटिकल पार्टी सामने आकर कहती है कि नहीं, हमें और वक्त चाहिए, इस क्लॉज में प्रॉब्लम है, इस क्लॉज में दिक्कत है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इससे देखते देखते काफी वक्त जाहिर हो चुका है. बिल्कुल, क्योंकि ये तो पिछली बारी राज्यसभा में भी जो है वो उसको मंजूरी मिलनी चाहिए थी. इसमें बहाना बना के जो है वो मुस्लिम वोट्स को कैसे अपनी तरफ खींचा जाए, ऐसी राजनीति चल रही है. लेकिन इसमें मुस्लिम महिलाओं को क्या न्याय मिल रहा है? अभी तक ये निर्णय कांग्रेस की जब सत्ता थी तब नहीं हुआ था. अभी जो हुआ है तो उसका स्वागत जो है वो कांग्रेस को या किसी भी पार्टी ने करना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल तलाक का जो मामला था उसमें मुस्लिम महिलाओं को जो है वो रास्ते पे आना पड़ा था. बहुत सारी महिलाएं तो बच्चों को लेकर रास्ते पे आई थी. तो कहीं ना कहीं अच्छा जो है वो डिसीजन हुआ है और ये महिलाओं की ऐतिहासिक जीत है. जी बिल्कुल तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. सो दिस इज अ बिग मूव दैट हैज बीन टेकन बाय द मोदी गवर्नमेंट, एन ऑर्डिनेंस रूट एज फार एज द ट्रिपल तलाक बिल इज कंसर्न्ड. वी आर शॉर्टली अवेटिंग एंड स्टैंडिंग बाय फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट विल बी एड्रेस्ड बाय रविशंकर प्रसाद इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ. वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक बट बैक विद द लेटेस्ट ऑन दिस बिग स्टोरी.